हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। मैंने 1 किलो गाजर ले ली है, कुछ गाजर छील के ये रख ली हैं और कुछ को मैं किस रही हूँ। तो ये देखिए हम किस रहे हैं। ये हम हटा दे रहे हैं और बाकी ये गाजर देखिए है, इसे आप धो के अच्छे से छील लें। ये गाजर का छीलना जरूरी है। ये आप धोगे तो मिट्टी निकल जाएगी। इसके बाद ये जो इसमें बाल हैं वो आपके छीलने से साफ हो जाएंगे। छीलने के बाद आप अच्छे से किस लो। इसके बाद हम गाजर का हलवा बनाएंगे। ये हमने कढ़ाइया ले ली है और ये हमारा नाप है आधा आधा किलो का, और ये हमारा 1 गिलास पानी, ये हमारी शक्कर। इसमें हम ड्राई फ्रूट और मावा मिक्स करेंगे। पहले हम ये इतना हम कर लेते हैं। ये हमने गैस चला ली है, ये हमने गैस चला ली है और ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया। हमारी 1 किलो गाजर कैसी हुई है, 1 किलो में से 250 ग्राम हमारे। ये हमारे ड्राई फ्रूट रखे हैं, इलायची, काजू बादाम और ये दूध का हम इससे मावा बनाएंगे जो हमारी गाजर के हलवे में हम यूज करेंगे। लीजिए अभी हम इसे चाशनी बनाते हैं। ये हम 1 गिलास से नाप लेते हैं। ये हमारे 1 गिलास। क्योंकि हमारी क्या गाजर मीठी होती है इसलिए हम इसे 1.5 गिलास ले लेते हैं। ये हमारी 1.5 गिलास हमने इसमें शक्कर बना दी। अब ये हमारी चाशनी हो जाती है। इसके बाद हम गाजर को इसमें ऐड कर देंगे। ये चाशनी में हमने दूध डाल दिया है। पहले हम इसका चाशनी का मैल निकाल देते हैं 2 मिनट। इसमें से अब ये हम इसमें ज़्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी होता है वो मैल निकल आता है। ये दूध, ये इसका चाशनी का ये मैल है। हमारी जो शक्कर में जो गंदगी होती है वो दूध डालने से पूरी तरह हमारी चाशनी साफ हो जाती है। अब ये हमारी चाशनी पूरी तरह साफ हो गई है। ये देखिए अब इसमें हम हमारी किसी हुई गाजर को मिक्स कर दे रहे हैं। ये हमारी गाजर हमने चाशनी में डाल दी है।
अब ये हमारी कम से कम गाजर को आपको धीरे धीरे हर 10-15-20 मिनट में आप इसे टारते रहिए। कम से कम 1-1.5 घंटा हमारी ये गाजर पकने में समय लेगी। 1-1.5 घंटा हमें इसे चाशनी में यूं ही डालते रहना है। हमारी चाशनी भी कम हो जाएगी और हमारी गाजर का कलर, हमारी गाजर में जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसमें चमक आ जाएगी। ये हमारे 2 किलो दूध का हमने अब ये मावा बना लिया है। हम पूरा नहीं सुखा रहे हैं इसे, हल्का सा ये गीला ही है। हम इसमें हमारा जो गाजर का हलवा जो हमने चाशनी में बनाया है हम उसमें ये मिक्स कर देते हैं। ये हमने गाजर का हलवा जो चाशनी में हमने बनाया है उसे इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। यह हमारा गाजर का हलवा करीबन 1-1.5 घंटे हमारे ये चाशनी में हमने चुड़ाया है और इसे हमने अलग रख लिया था। इसके बाद हमने दूध चुड़ाया है, हमने दूध को मावे में बदल लिया है। यह हमारा गाजर का हलवा में हमने मावा को मिक्स कर दिया। ये देखिए हमारे गाजर का हलवे में मावा मिक्स हो गया। हमने मावा को खूब सुखाया नहीं है, हल्का सा गीला रखा है। तो ये हमारा मावा घर का भी है और शुद्धताई भी है। हमारी ठंड आ ही गई है तो ठंड में गाजर अच्छी खूब क्वांटिटी में, अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, तो ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छी रहती है और ठंड में भी हमें ये फायदा भी करती है। ठंड में मिलने वाली चीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा गाजर का हलवा तैयार है। ड्राई फ्रूट है ये डाल लेते हैं। मैं अब इसमें ये डिब्बे में सारा निकाल लेती हूँ। हमारी 1 किलो गाजर थी जिसमें से कुछ तो उसमें हमने गाजर को छीला तो कम से कम 250 ग्राम हमारी गाजर हो गई होगी। और इसके बाद हमने करीब 1 किलो के आसपास, 1.25 किलो हमने शक्कर ली थी क्योंकि गाजर हमारी ऑलरेडी मीठी होती है हल्की सी, तो इसमें हमने शक्कर कम से कम 1.25 किलो ली है। और इसके बाद हमने 2 लीटर दूध का हमने मावा तैयार कर लिया था और ये हमने इसे घर पे तैयार किया है। तो आप चाहे तो मावा आप बाहर से भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हलवा तैयार है। आप इसे गर्म और ठंडा दोनों प्रकार से खा सकते हैं। इसमें हम इलायची मिला दे रहे हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट मिला दे रहे हैं। आपको जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट मिलाने हैं आप मिला दें। ये हमारा गाजर का हलवा तैयार है। ये आपका गाजर का हलवा रेडी। ये आप गाजर का हलवे को सर्व कर सकते हैं। हमारा गाजर का हलवा तैयार।